सारे के सारे बस खून पीने में लगे पड़े। हम कह रहे हैं ना तुमसे चीते, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। अब देखो ना वो मुरारी, गरीब बेसहारा समझकर उसको यहाँ थाने में जगह दी, खिलाया पिलाया, अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार के सदस्य की तरह उसकी सेवा की ना। और फिर भी वो थोड़े से पैसों के लिए उस अंगद से जाके मिला। ऐसे ही लोगों की वजह से ना इंसानियत पर से विश्वास उठ रहा है लोगों का। और पता है तुमको ये सब किसकी वजह से हुआ? इनकी वजह से। आइए। हाँ हाँ आइए आइए आइए, हम तो। कौन आया कौन आया कौन? तू सो रहा था बे चीते? नहीं नहीं ओ, हम तो जरा बस ऐसे ही। अरे एक मिनट, अरे पुष्पा जी, हम तो वेट कर रहे थे कि कब आप हम पर आएंगी, ये सारी बातों का जो ठिकाना है वो हमारे सर पर फोड़ेंगी, हाँ हमें ही जिम्मेदार ठहराएंगी। लेकिन इतना घूम घाम के क्यों आ रही है? सीधा पॉइंट पे आइए ना, कह दीजिए कि ये सारी बातों का जिम्मेदार हम है। तो कौन है जिम्मेदार? किसने शुरू किया ये सब? अंगद के आदमी पर किसने सबसे पहले हाथ उठाया? किसकी वजह से शुरू हुआ ये सारा बवाल? आप भूल गई पुष्पा जी, करिश्मा मैडम की वजह से हुआ। तुम ना अपने ना काम पर ध्यान दिया करो, समझी? और क्या करते हम, क्या करते हाँ? वो पूरे देश को ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे उसके बाप का सिस्टम है। किसी को आवाज तो उठाना था ना। आवाज उठाने का मतलब आ बैल मुझे मार नहीं होता। अरे धीरे धीरे, देखो तो कोई सो रहा है। अरे मैया की गंगा मैया, एक लगाएंगे ना। अरे तो सो रहा है तो क्या हुआ? आपको चलने दो चलने दो। अम्मा उसको छोड़िए, आप हमको बताइए। अम्मा हद है। अरे हद तो आपने कर रखी है। देखिए पुष्पा जी, क्या देखिए? मैं बोला था मैं। बिल्लू तुम चुप रहो। मैडम सर, आपका और मेरा सोच कितना मिलता है। बिल्लू चुप, कुछ तो लिहाज कीजिए आप लोग। कभी तो ये वक्त एक दूसरे से लड़ने झगड़ने का नहीं है, इल्जाम लगाने का तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये सोचने का है कि कैसे खुद को और इस थाने को इस मुसीबत से बचाया जाए। बहुत सोचा मैडम सर, पर करिश्मा मैडम को कोई आइडिया नहीं मिल रहा। मैडम सर, मामला बहुत नाजुक मोड़ पे है। वो मुरारी जो है ना, वो मजदूर यूनियन का सदस्य है। अंगद ने अगर ये वीडियो वायरल कर दिया तो पूरे शहर में दंगे छिड़ सकते हैं, सारे मजदूर भड़क सकते हैं, बहुत से बेकसूर जाने जा सकते हैं। मैडम सर, इस अंगद के अहंकार की कीमत निर्दोष लोगों को चुकानी पड़ सकती है। मैडम सर, एक रास्ता है, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर माफी मांग सकते हैं। अगर ऐसा कर लेने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो हमें माफी मांगने में कोई एतराज नहीं। तजुर्बा कहता है हमारा कि किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट किसी की जान से बढ़कर नहीं होती। पुष्पा जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, हम इस मामले को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। मैडम सर, इट्स ओके, हम वैसे भी यहां से जा रहे हैं। जाने से पहले अगर इस थाने को बचा सके तो यही सही। ये सही नहीं है मैडम सर, हम आपको माफी मांगने नहीं देंगे। आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं? हम तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि हम क्या कह रहे हैं, पर शायद आप समझ नहीं पा रही हैं कि आप क्या करने जा रही हैं। ये आपकी अकेले की माफी नहीं होगी, हम सबका माफी होगा, इस पूरे थाने का माफी होगा, और उस घटिया गुंडे से तो हम माफी नहीं मांगेंगे। हम बिगाड़े हैं ना ये सब मैडम सर, अब हम ही ठीक करेंगे। अच्छा, तो इसे ठीक करने के लिए अब आपने क्या सोचा है करिश्मा सिंह? माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन आपको बताना अब जरूरी नहीं समझते, क्योंकि अब आप हमारी सीनियर नहीं है। इसलिए ऑफिशियली जवाबदारी आपके प्रति हमारी नहीं बनती। हाँ, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं इस थाने को बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे और किसी भी हद तक जाएंगे। इसलिए मेहरबानी होगा मैडम सर कि आप हमें हमारा काम करने दीजिए, और जब तक आपके जाने का टाइम नहीं होता इस थाने से, तब तक आप आराम से अपने केबिन में बैठिए, एसी की ठंडी हवा खाइए। वेल इन दैट केस करिश्मा सिंह,
ऑल द बेस्ट। हमें इस केबिन के एसी की ठंडी हवा नहीं खानी, हमें बाहर जाकर गर्मा गर्म चाय पीनी है। आप चाहे तो इस केबिन का इस्तेमाल कर सकती हैं। आइए आइए आइए, अंदर आइए, आगे का प्लान ऑफ एक्शन डिस्कस करना है। आइए अंदर आइए। नहीं नहीं, आप नहीं, आप बाहर जाइए। संतू बाहर जा। एक सेकंड संतू। पुष्पा जी आप बाहर जाइए। हम? आपका जरूरत नहीं है इस मिशन में। नहीं नहीं, जरूरत पड़ेगी, हमारा तजुर्बा काम आएगा आपके। नहीं नहीं, आपका तजुर्बा वो तजुर्बे वाली मैडम के साथ जाके चाय पीजिए। जाइए संतू। चीता अंदर आओ और दरवाजा बंद करो। संतू अम्मा, ये दरवाजा। ये? हाँ ये। सॉरी। तो देखो बात साफ है कि अब यहाँ पे कोई सीनियर नहीं है तो मतलब हम यहाँ के सीनियर हैं अभी, और जब तक कोई नई एसएचओ नहीं आ जाती है तब तक ये थाने की जिम्मेदारी है हमारी, समझे? तो अब इस केबिन में जितना भी बात डिस्कस होगा, यहाँ से बात बाहर नहीं जाना चाहिए। मैडम जी आप ना हमारा भरोसा कीजिए, इस कमरे से ना हवा तक बाहर नहीं जाएगी। मतलब हम कैसे यकीन दिलाएं आपको कि हम संतू जी का कसम खा के ये बात कह रहे हैं। सुबह से सब मेरी ही कसम खा रहे हैं। और कौन कसम खा रहा है तुम्हारा? अम्मा चुप रहो, तुम बताओ संतू। हम क्या बताएं? नहीं, तुम्हारा ही हाजमा जो है बहुत कमजोर है ना, इसलिए। हाँ वो तो है, कल भी थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा था पेट में। बात पेट में नहीं पचती है तुम्हारे, उसकी बात कर रहे हैं। पच जाएगी मैडम पक्का। प्लान ये है कि हमको क्या कर रही हैं आप? वो हाँ, हमारी अंगूठी खो गई थी ना, तो इसीलिए हम उसे ढूंढ रहे थे। वाह पुष्पा जी, अंगूठी अपने कानों पे पहनती है देखो। अच्छा जोक था ना, है ना संतू? बच्ची है क्या पुष्पा जी? स्कूल में है क्या? मना किया था ना आपको सुनने के लिए? आपने कुछ कहा ही नहीं तो क्या सुनते? सुनना क्यों था? आप इस मिशन का हिस्सा नहीं है, ये समझाए थे ना आपको, फिर क्यों कान लगा रही हैं? हमें सिपाही चाहिए इस मिशन के लिए, मैडम सर का चमचा नहीं। खबरदार खबरदार जो हमको चमचा कहा। अच्छा मतलब हमें चाहे चमची कहो, कड़ची कहो, चिमटी कहो, जो कुछ भी कहो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का ध्यान रख के कहो। चमचा है ना वो पुल्लिंग श्रेणी में आता है, पढ़ा है ना स्कूल में, और वैसे भी मैडम सर की चमची नहीं है हम, उनकी सोच और व्यक्तित्व को हम समझते हैं हम। और कोई शौक नहीं है हमें आपका ये प्लान सुनने में, बस सोच रहे थे कि एक बार सुन के बता दें कि आपका ये प्लान काम करेगा या नहीं। अरे रहने दीजिए, कवर नहीं कर पा रहे हैं आप, कुछ भी आए साहेब बकी जा रही हैं। अगर ये हरकत करने का दोबारा हिम्मत किया ना पुष्पा जी, तो उठा के लगा देंगे नाइट शिफ्ट कब्रिस्तान वाले सिग्नल पर। फिर कीजिएगा भूतों से बकैती, लगाएं। नहीं उसकी जरूरत नहीं है। हाँ तो वो क्या कह रहे थे हम? वो आप तो कुछ भी कहती रहती है मैडम। ऐसा हम नहीं कह रहे थे,
पुष्पा जी कह रही थी आज सुबह आपके लिए। अम्मा तुम ना। अरे मैडम आप प्लान बता रही थी। हाँ देखो क्या होता है ना, कभी कभी ना समस्या का समाधान हमारे आंखों के एकदम सामने होता है लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, हम कहीं और देख रहे होते हैं। ऐसे ही इसी समस्या का समाधान भी हमारी आंखों के एकदम सामने है लेकिन किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। कैसा समाधान मैडम? मुरारी, मुरारी इस समस्या का समाधान है। अगर मुरारी हमारे हाथ लग जाए और हम उससे ये कन्फेशन निकलवा ले तो सबको पता चल जाएगा कि ये सारा चक्कर उस अंगद का है, और अंगद एक बार एक्सपोज हो गया फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व है ना भाई। हाँ प्लान तो बहुत जबर है मैडम जी आपका, बहुत जबर प्लान है आपका, पर सवाल ये है मैडम जी कि मुरारी का कन्फेशन लेने के लिए मुरारी का होना भी तो जरूरी है ना। मुरारी मिलेगा कहाँ से? अंगद तो उसको ऐसा जगह ठिकाना लगा देगा जहां से उसका हवा भी नहीं लग पाएगा। हमको तो लगता है मैडम जी कि ये ना मतलब असंभव लग रहा है हमको, संभव तो ऐसा गधा आदमी हो तुम। पुलिस वाले हो ना, पुलिस वाले का काम क्या है कि असंभव को संभव बनाना। तुम अमा जाओ, बाहर जाओ, तुम्हारे बस का नहीं है, जाओ निकलो निकलो। संतो तुम करोगी ये काम? मैं अकेले कैसे करूंगी मैडम? अकेली नहीं हो तुम, सनी तुम्हारा साथ देगा, पूरा सपोर्ट करेगा तुमको, सारी रिपोर्ट देगा आके, ठीक है? सनी, सनी का क्या जरूरत है मैडम जी? हम है ना, हम ढूंढेंगे मुरारी को, जिस मोरी में भी छुपा होगा निकालेंगे उसको मैडम। तुम अलग टोप आदमी हो, तुम ही बोल रहे हो असंभव है, संभव नहीं हो पाएगा। अरे पर असंभव को संभव करना ही तो पुलिस वालों का काम है ना मैडम, आप ही बताई थी हमको, तो करेंगे हम हैं। शाबाश, ये हुई ना बात, अब खड़े का हो, जाओ काम पे लगो। रुको संतु तुम जाओ बाहर, सनी वेट कर रहा, जाओ। मैडम हम अकेले कैसे? तुम्हारे लिए भी सिलेक्ट किए हैं किसी को। किसको? उसको। पुष्पा जी, जी क्या कर रही हैं आप? वो हम अंदर। अरे अरे बस करो, बदनाम कितनी चाय पिए हम। मैडम जी आपने हमारे क्या नहीं किया, इतना सब कुछ किया, मेरी ओर से एक चाय पी लीजिए। No. प्लीज। और जो हमने तुम्हारे लिए किया उसका कर्जा नहीं उतारोगे तुम? कर्जा? कर्ज से याद आया, पिछला उधार आपका कितना था? पता है हमको। थैंक यू मैडम सर। वो मैडम सर, करिश्मा मैडम ने आपके साथ जिस तरीके से बात की हमको नहीं अच्छा लगा, उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते। अरे नहीं नहीं पुष्पा जी, आप क्यों माफी मांगेंगी, और वैसे भी हुआ ही क्या है, हम सब जानते हैं कि करिश्मा सिंह दिल की बुरी नहीं, बस उनका मिजाज थोड़ा सा तीखा है। हमसे पूछिए। सच कहें तो हम उनकी बहादुरी और उनके काम के प्रति जो पैशन है उसकी बहुत इज्जत करते हैं। बहुत जरूरत है डिपार्टमेंट को ऐसे ईमानदार और निडर ऑफिसर्स की। बस कभी कभी लगता है कि उनकी ये बहादुरी इस थाने को महंगी ना पड़ जाए। काश कोई उन्हें समझा पाए कि बहादुरी पर समझदारी का अंकुश होना बहुत जरूरी है। अरे मैडम हम इसीलिए तो अंदर रुके थे ताकि हम पता कर सके ये करिश्मा मैडम चीते और संतु के साथ कौन सी नई खिचड़ी पका रही है, मगर हम पकड़े गए, कुछ सुन नहीं पाए। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे पता लगे कि बिल्लू। ए बिल्लू बेटा यहाँ आ जाओ, आ जाओ अपनी माँ के पास आके बैठो। माँ? हाँ हम भी तो तुम्हारे माँ जैसे ही है ना, आ बैठ। ए सोशल डिस्टेंस? हाँ देख कितना अच्छा बच्चा है। और ये क्या? क्या? अरे चश्मा हटा। ये देखो
ये जो सामने के चार बाल है ना, ये वाली ये पगले, ये चार बाल नए आए हैं। सच्ची मुच्ची आते हैं रे बेटा, हर कुमरे के बाद ना सर के बाल फिर से आते हैं। हाँ अब देखना, थोड़े ही दिनों में ये चार के बाल आठ, आठ के सोलह, सोलह के बत्तीस, बत्तीस के फिर आगे। ये जो तुम्हारा सर है ना, ऐसे लहलहा उठेगा बालों से। अंदर क्या चल रहा था? वो कुछ सुना तो होगा ही ना तुमने, करिश्मा मैडम क्या बोल रही है? लगा ही था मुझे कुछ तो गड़बड़ है। तभी तो सोचूं अचानक तीतर के भीतर से ये लक्ष्मी कैसे बोल पड़ी। क्या जानना है? हाँ, करिश्मा मैडम अंदर अंगद के बारे में क्या प्लान बका रही, ये जानना है आपको? हाँ 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 पता है तुमको? पता है मुझे करिश्मा मैडम का क्या प्लान है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। सलास काम कर अपना। मैडम सर, मैडम सर, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन करिश्मा मैडम के साथ पंगा बिल्कुल नहीं। आपको तो पता है ना करिश्मा मैडम का, आप यहाँ से चली जाएंगी, ये करिश्मा मैडम मुझे यहाँ से बाहर कर देंगी, तो मैं कहाँ जाऊंगा, ये आंवला आदमी कहाँ रहेगा? देखो क्या है बिल्लू की सोशल डिस्टेंस। गुड गुड, हमें चार्ज छोड़ने से पहले सबकी रिपोर्ट देनी होती है, चाहे फिर वो स्टाफ हो, दूसरे ऑफिसर्स हो या फिर कैदी। तो अरे जरा सोचो ना कि अगर मैडम ने रिपोर्ट में लिख दिया कि ये बिल्लू चंपत बिना किसी जुर्म के इधर जेल में रह रहा है और बैरक नंबर 007 को अपना घर बता रहा है, तो और आधार कार्ड पर भी यहाँ का पता लिखा हुआ है, तो क्या होगा? क्या होगा? तो तुम्हें हमेशा के लिए जेल से, तुम्हें हमेशा के लिए जेल से बाहर कर दिया जाएगा बिल्लू। हाँ सही मैडम सर, मेरा घर बचा लो, मुझे बचा लो। चलिए छोड़िए पुष्पा जी, चलिए तुम, कोई बात नहीं रहने दो, चलिए चलिए चलिए। मैडम सर, माँ, मैं बताता हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया, ऐसे करिश्मा मैडम को आप मत बताना प्लीज। प्लीज सीट। तो करिश्मा मैडम का प्लान ये, पागल है क्या करिश्मा मैडम? मुरारी को पकड़ना इतना आसान है क्या? अभी जाकर उनको रोकते हैं हम। इसलिए मैं नहीं बता रहा था, अभी ये बताने जाएगी और मुझे मार पड़ेगी। मैडम ये क्या है, ये तो रिलैक्स रिलैक्स बिल्लू रिलैक्स। मैडम सर, उस अंगद ने मुरारी को पाताल की गहराइयों में छुपा के रखा होगा, करिश्मा मैडम तो क्या किसी के फरिश्ते वहां नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं पहुंच सकते सरकार, किसी के फरिश्ते भी यहां तक नहीं पहुंच सकते। भैया जी आपने इसे छुपाया ही ऐसी जगह पर है, अपने सीक्रेट ऑफिस तक ना भैया जी किसी का बाप भी नहीं पहुंच सकता। शुक्रिया भैया जी, आप अपने यहाँ शरण दिए, नहीं तो अगर उस पुलिस वाले के हाथ में लग जाती तो पता नहीं क्या होता मेरा। अबे तू जानता नहीं है भैया जी को, बड़ी कमीनी चीज है भैया। मतलब मेरे कहने का है, भैया जी ने शेर का जबड़ा पाया है। एक बार किसी को दबोच लेना तो किसी के बाप की मजाल नहीं, जो छुड़वा ले भैया जी से, है ना भैया जी? जी। और आप ऊपर बैठिए, ऊपर सोफे पे बैठिए, बैठिए बैठो बैठो आराम से बैठो, ये लो खा। और अब हम करेंगे दरोगिनी
करिश्मा सिंह को एक गुप्त कॉल, टेलीफोन, और बताएंगे कि हमरा टिड्डी सिंह उर्फ आ मुरारी मुरारी सिंह जी कहां छुपे हैं। अरे ये क्या कह रहे हैं भैया जी, ऐसे तो वो पुलिस वाली यहां आकर इस मुरारी को पीट डालेगी। अबे गेंडे, जब हाथ उठाएगी तभी तो रपट बनेगी और तभी ना होगी कि थाने वालों की छवि खराब और हमारा पक्ष होगा मजबूत। ऐसे लेकिन सरकार, जितना मार खाओगे उतना माल मिलेगा, जैसा कहते हैं ऐसा कीजिए। ला, ये साधारण पेन नहीं है, इसमें गुप्त कैमरा छुपा हुआ है, जो कुछ होगा वो रिकॉर्ड कर लेना, बाकी का हम संभाल लें, ठीक है? ये लीजिए, अब देखता हूं कौन बजाता है इस सबौली को, इस थानेदार ने को। क्या क्या कहा तुमने? कोई सुराग नहीं मिला। अम्मा तुम कैसे पुलिस वाले हो बे? हाँ, एक आदमी का पता नहीं कर पाए तुम, और तुम बिल्लू चंपक, ये चश्मा पहन के बड़े फन्ने खा बने फिरते हो। इसके बारे में पता लगा दूंगा, उसके बारे में पता लगा दूंगा। किसके बारे में पता लगाया तुमने? मुरारी की हवा तक नहीं लगी तुम्हें। दिमाग खराब। हेलो, लिखिए। हेलो, अरे मैडम जी जल्दी से मुरारी का पता लिखिए, और द बिशमारी अभी मिल जाएगा। कौन कौन बोल रहा है? अरे मैडम जी, प्रसाद देने वाले की भावना देखिए, प्रसाद कौन दे रहा है ये मत सोचिए, बस आप ये समझ लीजिए कि आपका प्रशंसक है, आपका फैन है, बस जल्दी से आप पता लिख लीजिए, नहीं तो कहना मैडम जी देर हो जाएगी। हाँ बोलो बोलो। हाँ बस एक मिनट रुको। हाँ 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 हाँ। शहर के बाहर गोसाईगंज हाईवे, इंद्रप्रस्थ C306। ढक्कन मिल गया एड्रेस मुरारी का, गोसाईगंज हाईवे इंद्रप्रस्थ C306। क्यों बात कर रही है? मैडम जी हम कहते हैं वहां पर अकेले जाना ना इसे खतरा से खाली नहीं है, आप कहें तो हम फोर्स को फोन कर दें। मैं तुम टोपा आदमी हो क्या? वो मुरारी निकल गया तब तक तो, और वैसे भी करिश्मा सिंह के भोकाल के आगे कोई टिका है क्या आज तक? लेकिन मैडम फोन किसका था, कौन बताया ये सब बात आपको? हम बताएंगे सब, पहले मुरारी को दबोच के तो ले आए। सवाल पे सवाल। मैडम जी कोई जरूरत हो तो फोन कर देना, हम है। हाँ सुनिए, ये जो मुरारी है ये आप ही के गाँव का है? जी जी। कहाँ है उसके गाँव वाले? मैडम जी परिवार का तो कोनो नहीं रहता, सब गाँव में है, वो हमारे साथ गाँव में जाने वाले थे, अब उनका कौन आता पता नहीं। कोई आस पड़ोसी, कोई दोस्त, किसी का फोन नंबर, कोई दूसरा नंबर? नहीं मैडम जी। हेलो, हाँ पुष्पा जी, करिश्मा मैडम चली गई। चली गई? कहाँ चली गई? और तुम हमको क्यों बता रहे हो? हमारे लल्ला को तो साथ लेकर नहीं गई ना? अरे इनका तो अपना चलता रहता है। पुष्पा जी, हसीना मैडम आपके साथ है क्या? हाँ वो तो है हमारे साथ, मगर लल्ला तो हमारा बेटा है ना, हमें बताओ। तो हमने कब कहा हमारा है? पुष्पा जी अर्जेंट फोन है, हसीना मैडम को दो ना। रुको, अरे उसका सेठ जहां पर वो काम। मैडम सर, हाँ एक सेकंड। हेलो, हाँ कौन? बिल्लू द स्पाय। हाँ बिल्लू बोलो, क्या हुआ? अच्छा, अंदर की खबर है करिश्मा मैडम। ओके ठीक है। क्या हुआ मैडम सर? वो हमारा लल्ला तो, सॉरी सॉरी, हमारा लल्ला तो सही है ना? करिश्मा सिंह को किसी ने सामने से फोन करके मुरारी का एड्रेस दिया है, और वो अकेली उसे ढूंढने निकल गई। अरे फिर हमारे लिए अच्छा ही है ना मैडम सर? वो मुरारी जिसे हम ढूंढ ढूंढ के थक गए और हमें नहीं मिल रहा, अचानक से पके हुए आम की तरह करिश्मा सिंह की गोद में कैसे आ गिरा? नहीं,
ये कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। तो फिर अब आपको क्या लगता है, हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारा शक सही है तो ये अंगद आचार्य का बिछाया हुआ जाल है। तो अब